हैं कि पैसा, शोहरत और इज्जत, ये तीन चीजें पाने की लालसा में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है, चाहे वो रास्ता गलत हो या सही, उससे इंसान को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही एक मामला जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग विभाग में सामने आया, जहां पर वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर के गोखरू ने अपनी जूनियर डॉक्टर मोनिका महेश्वरी के खिलाफ कोतवाली थाने में फर्जी हस्ताक्षर कर अवार्ड लेने का मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर गोखरू ने बताया कि राजस्थान एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर के गंगाधर अवार्ड को हासिल करने के लिए उनकी जूनियर डॉक्टर मोनिका महेश्वरी ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए और बिना उनकी जानकारी के अवार्ड हासिल भी कर लिया। गोखरू ने बताया कि जब उनको डॉक्टर मोनिका द्वारा अवार्ड लेने के फर्जीवाड़े का पता लगा तो उन्होंने सदर कोतवाली थाने में मोनिका के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। डॉक्टर मोनिका महेश्वरी ने मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके राजस्थान एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के राजस्थान चैप्टर द्वारा गंगाधर अवार्ड अर्जित किया है। उसमें न तो मेरी कंसेंट ली गई, न मेरी परमिशन ली गई, और उसमें जो भी उन्होंने वर्क किया वो मेरे सुपरविजन और गाइडेंस में नहीं किया गया और मुझे अंधेरे में रखा गया, मेरे फर्जी दस्तखत किए, इसलिए मैंने कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाई। वही पुलिस ने डॉक्टर गोखरू की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर मोनिका के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर कर अवार्ड लेने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जेलन हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गोखरू, इन्होंने अपनी एक जूनियर हैं डॉक्टर मोनिका महेश्वरी, इनके खिलाफ एक रिपोर्ट दी है कि डॉक्टर मोनिका महेश्वरी ने कोई अवार्ड प्राप्त करने के लिए उनके फर्जी सिग्नेचर प्रोड्यूस किए गए। इस संबंध में डॉक्टर गोखरू जो है इन्होंने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया। धोखाधड़ी और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है।